एक्चुअली हम डॉक्टर सोमेन भारतिया व्यतिक्रम माजदो से हूँ हम लोग, और हम लोग द नियोन टैटो फेस्टिवल आज हम लोग स्टार्ट किए 3 दिन तक लगा 21-22 फरवरी। ये फर्स्ट टाइम ये नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, और इंडिया का भी और बाहर का भी, इंडिया से बाहर से भी 4-5 कंट्री इधर में आया है। तो इसका जो मोटिव है टू प्रमोट आवर टूरिज्म, टू प्रमोट द न्यू आर्ट फॉर्म, और इसमें हम लोग काफ़ी इतना मैंने अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, जो हर आर्टिस्ट ही बिजी है। तो हम लोग चाहते हैं इसका ये टैटो के जो फॉर्म है, इससे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का साथ, हम लोग का जो रेस्ट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है उसका साथ एक रिलेशनशिप बने। मेरा नाम रिप्स है, एंड मैं रिप्स टैटू एंड पियर्सिंग का ओनर हूँ, एज वेल एज आई एम आर्टिस्ट, एंड या आई एम ऑल्सो द ऑर्गेनाइजर ऑफ रिप्स टैटू, आई मीन नियॉन टैटू फेस्टिवल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम लोग ये नियॉन टैटू फेस्टिवल किया, और लाइक यू नो हम लोग जब करने वाले थे इसको, जब मैंने प्लान किया तब हम लोग यही सोचे कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा हमें। बट बेसिकली जब हम लोग जब इन्वाइट किया हम लोग ने हर गेस्ट को, हर आर्टिस्ट को, वी गॉट अ सो पॉजिटिव रिप्लाई, वी गॉट अ सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि क्योंकि हर आर्टिस्ट, इनको नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं आया, और इनके लिए पहली बार हो रहा था एक्सप्लोर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट। सो जब उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार कुछ कन्वेंशन हो रहा है जब पहले कभी नहीं हुआ है, सो दे आर सो एक्साइटेड। इनफैक्ट हमारा गेस्ट, अगर आप देखोगे, हमारा गेस्ट UK से आया है, हमारा गेस्ट रशिया से भी आया है, नेपाल से आया है, हर जगह से हम लोग का गेस्ट आए हुए। तो एक छत के नीचे 100+ आर्टिस्ट, इट्स लाइक इंडिया में अभी तक कभी भी नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है ये चीज़, जो एक छत के नीचे 100 आर्टिस्ट एक साथ काम कर रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग, लाइक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, मैं सोचता हूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड हम लोग इस सीज़न को, जो कि season 1 है, हम लोग इसको season 2, season 3 हम लोग आगे लेके जाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट।